नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गायकवाड़, हम सीखेंगे यह चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में है क्या नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार है क्या नहीं है, वो चेक करते हैं। पहले तो आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए गूगल। गूगल में जाने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ESI ये डाल दीजिए गूगल में। ये डालने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट आपको खुलेगा। इसमें इधर जाइए, स्क्रॉल करके नीचे लीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस दिखेगा, इसमें ये सर्च, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों आपके पास ऐसा आएगा, उसको जारी रखिए, आगे कर दीजिए। इसमें दोस्तों दो टाइप से आप कर सकते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड मिसिंग है तो इसके हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स वगैरह है या आपको वोटर आईडी कार्ड का नाम पता है तो उसके भी हिसाब से आप इसमें क्लिक करके देखिए। इसमें सिर्फ आपको क्या डालना है, वोटर आईडी का कार्ड नंबर डालना है और उसके नीचे मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। मेरा आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे जाएंगे। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ। कैप्चर कोड आप डाल, उसके बाद में सर्च, ये करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा पूरा डिटेल्स इसमें आ गया। ये हो गया। अगर मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ तो व्यू कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा पूरा वोटर आईडी कार्ड, मेरा नाम, पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा आ गया। चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड होने के बाद में आपको वोटर आईडी जैसा रहता है वैसा ही आपको डाउनलोड हो जाएगा इसका। इसमें मेरा पूरा डिटेल्स आ गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ये तो हो गया इंडिविजुअल। आपको अगर आपके पूरे पोलिंग बूथ का, आपके गांव का, आपके मेन जगह का, देखिए इधर आपका मैप भी आ जाएगा, आपका पिन कोड नंबर एड्रेस पूरा आ जाएगा। आपको अगर आपके गांव का भी चेक करना है तो उसके लिए अलग सा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर से अपन वापस आएंगे मेन वेबसाइट पे, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, इधर देखिए दोस्तों इसमें इंडिविजुअल भी मिल जाएगा और पूरे गांव का भी मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका स्टेट आप सेलेक्ट कर दीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका नेम वाइज करना है आपको, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह मिसिंग हो गया है। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, मैंने कर दिया। फर्स्ट नेम, इसमें लास्ट मिडल नेम नहीं करना है दोस्तों, लास्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम डाल के सर्च कर देना है। इसमें भी देखिए ये मेरा आ गया वोटर लिस्ट पूरा, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ, पूरे गांव का आपके पास में रिकॉर्ड आ जाएगा कि किसको वोट, वोटिंग के लिए आया है, 18 साल हो गया है, जिसका फॉर्म भरा है, जिसने उसका नाम आया है, क्या रिजेक्ट हो गया है, सब आप देख सकते हैं। देखिए खुल गया, आपका गांव का मैप भी आएगा, आपका पोलिंग बूथ का पूरा मैप आ जाएगा। दोस्तों इलेक्शन ऑफ कमीशन ने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया है। देखिए आपके पूरे, मेरा गांव है, मेरे गांव का पूरा जितने वोटर्स है सबका लिस्ट आ गया, किसको किधर है, किसको किधर है, उसमें वार्ड रहता है, वार्ड वाइज भी आप इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर दिया हुआ है। टोटल
वोटिंग कितना है मेरे गांव में, ये टोटल आ गया देखिए। तो ऐसे आप अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये चेक करने का मतलब है आपका वोटिंग लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है। बहुत सारे लोगों ने नया फॉर्म दिया रहता है, वो चेक करना। अगर आप इलेक्शन पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि ओबा मेरे वार्ड में मैं खड़ा करना रहने वाला हूँ तो उसमें कितने वोटर्स है, कौन वोटर्स है, इसके हिसाब से आपको प्री प्लान करना के लिए बहुत आसान पड़ जाता है। तो ये वेबसाइट आप याद रखिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करके साइड में बेल आइकन का चिन्ह आएगा उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिए दोस्तों। और हो सके तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।